देश में बनी स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में प्रधानमंत्री ने INS कलवरी को राष्ट्र को सौंपा। 17 साल में पहली डीजल और बिजली से चलने वाली पनडुब्बी नौसेना को मिल गई है। पनडुब्बी की जो है कमी से जूझ रही नौसेना के पास अभी दर्जन भर ही पनडुब्बी है, जबकि चुनौतियां काफी बड़ी हैं। कलवरी का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। इसकी लंबाई 67.5 मीटर और ऊंचाई 12.3 मीटर है। इसमें 360 बैटरी है, जिसमें हर बैटरी का वजन 750 किलो है। साथ में 1250 किलोवाट के दो डीजल इंजन लगे हैं, जो बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज करते हैं। और इसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये समंदर में 50 दिन तक रह सकती है। INS कलवरी पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। करीब दो दशक के अंतराल के बाद भारत को इस तरह की पनडुब्बी मिल रही है। नौसेना के बेड़े में कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसे बनाने में भारतीयों का पसीना लगा है, भारतीयों की शक्ति लगी है। ये मेक इन इंडिया का एक उत्तम उदाहरण है। मैं कलवरी के निर्माण से जुड़े हर श्रमयोगी को, श्रमिक को, हर कर्मचारी का आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।